गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका यूट्यूब के हमारे चैनल देसी ट्रैवलर पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो दोस्तों ये देखिए कितनी सुनहरी सुबह है गढ़वाल नेचर कैंप की, जहाँ पे हम कल रात को आए थे, और सामने बैठे हैं दिव्यांशु भाई, धूप को सेक रहे हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8, और मैं और दिव्यांशु भाई अभी उनके कैंप गढ़वाल नेचर कैंप से ऋषिकेश के वापस जा रहे हैं। दोस्तों जाने का मन तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या करें, अभी वापस हमें जाना होगा ऋषिकेश को। गुड मॉर्निंग बाबा। तो दोस्तों अगर आप में से कोई भी ऋषिकेश के पास कैंपिंग करना चाहता है तो आप दिव्यांशु भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं उनके नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए अभी हम चलते हैं वापस ऋषिकेश को। तो दोस्तों एक बार आप ये व्यू देख लीजिए यार, हम लोग वापस ऋषिकेश जा रहे थे लेकिन सामने सनराइज़ हो रहा है, तो दिव्यांशु भाई और मैं यहाँ पर रुक गए हैं इस बेहतरीन से सनराइज़ को देखने के लिए। आप लोग देख लीजिए कि नीचे गंगा नदी बह रही है और सामने सूर्य देव का दर्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों इससे बेहतरीन कुछ और सनराइज़ हो नहीं सकता था मेरे लिए। जय हो गंगा मैया की। तो ये लीजिए दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जानकी सेतु पे, और सुबह सुबह काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है जानकी सेतु पे, और पूरा खाली है दोस्तों क्योंकि सुबह सुबह इतना क्राउड नहीं होता है। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने जानकी सेतु अभी क्रॉस कर दिया है और सामने आ गए हैं बजरंगबली। तो यहीं से हमें होते हुए अपने रूम की तरफ जाएंगे, और एक बार मैं आपको यहाँ की जो वॉल आर्ट है वो दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितनी शानदार डिज़ाइन किया गया है। तो जब भी ऋषिकेश आएँ, जानकी सेतु के पास आएँ, तो ये डिज़ाइन ज़रूर देखें। तो जिन भी कलाकारों ने किया है उनको धन्यवाद। तो चलिए अभी हम चलते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया सुबह के 10:30, और अभी मैं और दिव्यांशु भाई आ गए हैं गरुड़ चोटी पे। जो सामने आप ये नदी देख रहे हैं छोटी नदी, वो कहीं पहाड़ों से आ रही है जो कि आके मिल रही है डायरेक्ट यहाँ पर गंगा जी में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो संगम हो रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों ये डायरेक्ट यहाँ से नदी होते हुए राम झूला ऋषिकेश को होते हुए आगे हरिद्वार को जाती है। दिव्यांशु भाई और मैं इस अभी सीन का लुत्फ उठा रहे हैं, और आप भी देखें कितना शानदार सीन है दोस्तों। दोस्तों जो आप ये देख पा रहे हैं ये है काई, और अक्सर ये नदियों के किनारे पे जो बड़े पत्थर होते हैं उन पे ये काई जमी रहती है। तो जब भी आप नदी के किनारे आएँ तो ऐसे काई के पत्थरों से सावधान रहें, क्योंकि आपका पैर फिसल सकता है और आप गिर सकते हैं, लग सकती है, तो हमेशा ध्यान रखिए। और एक बार आप दोस्तों ये व्यू देख लीजिए यार कि कितना शानदार ये संगम जैसा सीन हो रहा है गंगा माँ और इस नदी का। तो दोस्तों इसी नदी के किनारे पे घाट भी बना हुआ है नहाने के लिए, लेकिन दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप इन घाटों पे ना नहाएं यार। अगर आपको नहाना है तो आप राम झूला या जानकी सेतु के आसपास जो नहाने के घाट बने हुए हैं वहाँ पे नहाइए। और हम लोग यहाँ पे बैठ के अभी जो सामने से राफ्ट आ रही है वो आपको दिखाएँगे, और सामने जो रेपिड बन रहे हैं उनमें से कैसे ये राफ्टें जाती है। तो चलिए अभी यहाँ बैठ के कुछ देर वेट करते हैं राफ्ट के आने का, और फिर आपको दिखाते हैं कैसे राफ्ट यहाँ से क्रॉस करती है। तो ये लीजिए दोस्तों, दो क्याक और एक राफ्ट आ चुकी है हमारे सामने। अभी मेरे पास में अभी गोप्रो है तो मैं जूम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। ये देखिए दोनों क्याक अभी इस रैपिड से गुजर चुकी है, और राफ्ट धीरे धीरे होती हुई आ रही है। क्याक थोड़ी तेज़ चलती है क्योंकि उसमें सिर्फ एक एक आदमी होता है, और राफ्ट में 7 या 8 लोग होते हैं जो एक साथ चप्पू चलाते हैं। तो दोस्तों आप जब कभी भी ऋषिकेश आओ तो ज़रूर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस लो, बहुत शानदार एडवेंचर है ये, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आओ कभी ऋषिकेश और राफ्टिंग का मज़ा लो। तो चलिए अभी हम चलते हैं वापस ऋषिकेश को। तो दोस्तों गरुड़ चोटी से फाइनली मैं और दिव्यांशु भाई वापस रवाना हो चुके हैं अभी ऋषिकेश के लिए। यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर है, तो चलिए अभी चलते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, फाइनली मैं और दिव्यांशु भाई आ पहुँचे हैं वापस लक्ष्मण झूला पे, और यहाँ से लक्ष्मण झूला शुरू हो जाता है। दिव्यांशु भाई मुझे राम झूला पे ड्रॉप करेंगे और यहाँ से खुद जाएंगे अपने घर को। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं वापस अपने घर की तरफ। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल देसी ट्रैवलर पे। और दोस्तों आज की डेट है 12 नवंबर, और इतने दिन मैं कुछ व्लॉग शूट नहीं कर पाया। उसका रीज़न यह था कि काफ़ी जुखाम और बुखार हो गया था, उसकी वजह से हम कहीं जा नहीं पाए, और यहीं पे था मैं। और एक बार आप अभी का व्यू देख लीजिए, कुछ ऐसा मौसम हो रखा है। तो दोस्तों सामने जो आप ये देख रहे हैं ये आगे गीता भवन नंबर 4, और हमें यहाँ से जाना है पीछे की तरफ जो कि कहलाता है योगा विलेज, वहीं पर हमारा गेस्ट हाउस है और वहीं पर हमारा रूम है। तो चलिए चलते हैं अभी।
तो दोस्तों सामने जो आप ये देख रहे हैं ये आगे है भूतनाथ जी का मंदिर, और इस वाली रोड को हम फॉलो करते हुए थोड़ी दूर को जाएंगे तब आ जाएगा हमारा योगा विलेज और वहीं पे है हमारा गेस्ट हाउस। तो चलते रहेंगे अभी हम इसी रोड पे। तो दोस्तों अभी जो तबीयत है वो काफ़ी ठीक हो रही है, जुकाम से हल्का हल्का रिकवर हो रहा है। अभी का जो यहाँ का मौसम है वो भी बहुत अच्छा हो गया है ऋषिकेश का, काफ़ी ठंडा मौसम आना शुरू हो गया है। और इस दौरान विकी बाबा से भी मिलना हुआ था और स्मराह की पूरी टीम, ऋषभ भाई, सुशील भाई, सबसे मिलना हुआ। वो लोग भी यहाँ पर आए थे किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। तो दोस्तों आ गया है अपना योगा विलेज और यहाँ से थोड़ा और आगे चलने के बाद में हम लेंगे राइट की तरफ, वहाँ पर आ जाएगा अपना काशी गेस्ट हाउस। तो ये लीजिए दोस्तों, फाइनली मैं आ चुका हूँ काशी गेस्ट हाउस पे। राम राम जी। राम राम जी। सो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ आप वापिस अपने काशी गेस्ट हाउस पे, और आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि जुकाम किस कदर रहा था। जो शुरुआत का एक हफ्ता था वो तो काफ़ी हार्ड रहा, बट अभी काफ़ी ठीक है क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है, अभी ऊपर पहाड़ों में बर्फ़बारी होने लगी और यहाँ भी काफ़ी ठंड हो गई थी उसकी वजह से फीवर हो गया था, लेकिन अभी काफ़ी सुधार है। और अभी का जो दोस्तों प्लान है वो ये है कि सबसे पहले तो मैं टाइम बता दूँ आप, टाइम अभी 2 बज गए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि अपने कुछ कपड़े अभी धो लेता हूँ और उसके बाद में अभी दोस्तों कहीं निकलने का प्लान है ऋषिकेश से, और वो मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा कि कहाँ निकलने वाला हूँ। और चलिए पहले कपड़े धो लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अभी हमने अपने कपड़े यहाँ पर ड्राई होने के लिए लगा दिए हैं और ये कुछ व्यू है काशी गेस्ट हाउस के टेरिस से। हमारे साथ हैं अर्पित भाई। हेलो। हेलो, क्या हालचाल? बढ़िया। क्या है चैनल आपका? चैनल बस ठीक ठाक। ठीक ठाक। अर्पित भाई ने भी अभी नया नया चैनल बनाया है तो उसका भी हम आपको लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में। किस चीज़ का चैनल बनाया भाई? गेमिंग। गेमिंग चैनल, चलो उसका भी हम डिस्क्रिप्शन शेयर कर देंगे। और यहाँ पर हमने कपड़े अपने सुखाने के लगा दिए हैं और ये देखिए दोस्तों कुछ ऐसा बेहतरीन नज़ारा है यहाँ से। सामने आपको उस तरफ तपोवन, इस तरफ लक्ष्मण झूला और राम झूला भी यहाँ से सामने दिखाई देता है और जानकी भी। रात को बढ़िया होता है ना अर्पित भाई यहाँ से? मस्त वाला सीन। चलिए अभी जाते हैं नीचे की तरफ वापस। और ये देखिए अर्पित भाई की कलाकारी, क्या बनाया अर्पित भाई ये? ड्रैकुला। ड्रैकुला मस्त बनाया यार, पूरा पूरा ड्रैकुला। आप चलो ठीक है, थैंक यू भाई। है ओके, बढ़िया एकदम बढ़िया। तो ये है विशाल भाई हमारे इस काशी गेस्ट हाउस के ओनर। नहाने का है बाबा? नहाया। अच्छा अच्छा, ठंड लग रही है। पानी ठंडा बहुत है बाबा। तो ये है विशाल बाबा और इसी के काशी गेस्ट हाउस में काफ़ी टाइम से रुका हूँ। तो आप भी कभी भी ऋषिकेश आते हो, आपको अगर रुकना है राम झूला के आसपास तो काशी गेस्ट हाउस पे आप संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर भी मैं आपको अपने इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो नंबर छोटे बाबा का है, ये अटेंड करेंगे। सो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 और दोस्तों मैं नहा लिया हूँ एंड कपड़े भी धुल चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ सनसेट देखने को। प्लेस है मेरे लिए ऋषिकेश का, जहाँ से जानकी सेतु भी दिखता है और साथ में सनसेट भी। और यहाँ से होते हुए हम अभी जा रहे हैं वापस गंगा घाट को। और दोस्तों आई होप कि आप हमारे व्लॉग पसंद कर रहे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे। सबसे पहले सॉरी कि इस व्लॉग को आने में इतना टाइम लग गया है क्योंकि बीमार हो गया था तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, सिर्फ योगा क्लास के। और योगा क्लास भी हमारी अभी कंप्लीट होने वाली है, लाइक ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बार भी एंड जल्दी हम ऋषिकेश से मूव ऑन होने वाले हैं, जाने वाले हैं। कहाँ जाएंगे वो हम आपको आगे वाले व्लॉग में बताएंगे। तो आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना और परिवार का ख्याल रखिए और देसी ट्रैवलर को यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।